आज की जो वैकेंसी है ये आपको देखने के लिए मिल रही है ECIL के तरफ से, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। ये आता है आपको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर में आता है। ये एक PSU है, सेंट्रल PSU, जो कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है परमाणु ऊर्जा विभाग। इसके तरफ से आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, तो ज़रूर से इसको अप्लाई कीजिएगा। सभी कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। बहुत सारे जो ब्रांच है इसमें एलिजिबल है, और अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, आगे मैं बताऊँगा। और वीडियो का जो लिंक है कहाँ मिलेगा, सभी कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो पहले वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे ज़रूर से इसको अप्लाई कर लीजिएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिनसे कि जो भी सारी वैकेंसी आती रहती है डिप्लोमा वालों के लिए, BE BTECH वालों के लिए और ITI वालों के लिए, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है। तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में जो भी आपका ब्रांच हो, कौन ब्रांच से आप डिप्लोमा किए हैं, कौन ब्रांच से आप BE BTECH किए हैं, या कौन से ट्रेड से ITI किए हैं, ज़रूर से हमें बताइएगा, ताकि आने वाले जो वैकेंसीज होंगी आपसे रिलेवेंट आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये नोटिफिकेशन PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा। पहले मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं और कौन कौन से डिसिप्लिन वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका अलग अलग जोन वाइज करके वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये आपका जो कोलकाता जोन में, ईस्टर्न जोन में वैकेंसी है, इसमें ये सभी डिसिप्लिन से अगर आप लोग कर रखे होंगे तो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। डिप्लोमा या BE BTECH दोनों वाले अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ECE या ETE, EEE, E&I और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी ब्रांच से अगर आप लोग कर रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल में EEE वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी ब्रांच यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं हैदराबाद हेडक्वार्टर्स के लिए, जिसमें मैकेनिकल, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के अलाइड ब्रांच, कंप्यूटर साइंस के ब्रांच और ECE, और यहाँ पर CSIT, ये सभी ब्रांच यहाँ पर दिए गए। उसके बाद यहाँ पर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा जो भी आपका यहाँ पर ब्रांच हो, लगभग लगभग यहाँ पर बहुत सारे ब्रांच के लिए यहाँ पर दी गई है। अगर आपका जो ब्रांच है इसमें नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा, ताकि आने वाले जो वैकेंसीज होंगी आपसे रिलेवेंट आपको देखने के लिए मिलेगी। इसमें जो लगभग लगभग ब्रांच है, एलाइड ब्रांच आपको यहां पर देखने के लिए मिल रही है। तो यहां पर ये सभी ब्रांचेज के लिए वैकेंसी यहां पर दी गई है, अलग अलग जोन वाइज करके, अलग अलग पोस्ट वाइज करके यहां पर वैकेंसी को इस तरीके से ब्रेकअप यहां पर किया गया है। अब अगर आप उस भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल कंडीशन में लिखा गया, कैंडिडेट शुड बी फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन BE BTECH या डिप्लोमा, एंड अपर एज लिमिट यहाँ पर 33 यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये लिखा गया कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फॉर PE, यहाँ पर पोस्ट इज 3 ईयर्स एंड 1 ईयर फॉर TO एंड APEC। पोस्ट का नाम यहाँ पर दिया गया है, ऊपर में जो इसका फुल फॉर्म होगा आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर आपको PE का मीन्स यहाँ पर आगे प्रोजेक्ट इंजीनियर, और TO का मीन्स यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर्स यहाँ पर दिया गया। एक कैंडिडेट जो है एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पर, एक ही कैटेगरी के लिए, एक ही पोस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं। बाकी इंटरव्यू के आधार पर आपको ये जॉब मिलने वाली है। यहाँ पर आपको इसका क्राइटेरिया भी दिया गया, जिसमें कि क्वालिफिकेशन का यहाँ पर क्राइटेरिया 20% एग्रीगेट यहाँ पर रखा गया है, और यहाँ पर दिया गया प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे, इसके लिए 30 और 15 मार्क फॉर इनिशियल 3 ईयर एक्सपीरियंस एंड 5 मार्क फॉर ईच ईयर, मैक्सिमम 30 मार्क्स आपको दी जाएगी। रिलेवेंट एक्सपीरियंस अगर आपके पास होगा जिस भी, जैसे कि 3 ईयर का और 5 ईयर का, तो उस केस के अनुसार से, और पर्सनल इंटरव्यू होगा जो कि 50 मार्क का यहाँ पर रहने वाली है। तो 30 मार्क एक्सपीरियंस का, 20% वेटेज आपका क्वालिफिकेशन का, और 50 मार्क यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू का। तो इसके आधार पर आपको यहाँ पर जॉब मिलने वाली है। आपकी जो वॉक इंटरव्यू है, जो भी जोन वाइज मैंने उस PDF में दिखाया था, तो यहाँ पर जोन वाइज करके आपको यहाँ पर डेट दिया गया वॉक इंटरव्यू का। तो इस डेट को आपको विजिट करना है। यहाँ पर वॉक इन वेन्यू भी दिया गया, तो जो भी वेन्यू यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर आपको विजिट करने होंगे, और यहाँ पर आप विजिट करके वॉक इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। कैसे अटेंड करना है, तो यहाँ पर दिया गया एलिजिबल कैंडिडेट में डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको ट्रूली फिलअप कर लीजिएगा, सभी कुछ रिज्यूम को अटैच कर दीजिएगा, सभी सर्टिफिकेट का जेरेक्स कॉपी लेकर के आपको रिपोर्ट करना है 9 बजे। यहाँ पर आपको 10th का सर्टिफिकेट, उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रूफ में क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा या BE BTECH सर्टिफिकेट, ये सभी कुछ आपको लेकर के वहाँ पर जाना है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप, आइडेंटिटी प्रूफ, ये सभी कुछ लेकर के आपको वहाँ पर जाना है। गेट क्लोजर का जो टाइम है 11:30 यहाँ पर आपको दिया गया है। तो जो भी डेट हो उस डेट को ये सभी चीज़ डिटेल्स देख लीजिएगा। सभी PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए। उसके बाद आप लोग अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो ज़रूर से इसमें जा सकते हैं। ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल, तो ऑल इंडिया से कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो ज़रूर से आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं रखा गया। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को ज़रूर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।